पार्टी बूथ पांचों मंडल के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में लोकसभा भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा, कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू वाघमार, रामनिवास सांकला, जिलाध्यक्ष मानक चंद भाटी, मंडल अध्यक्ष रहे मौजूद। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल के वैट की दर कम की। हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, हमारा देश प्रगति कर रहा है, प्रदेश में हर घर में नल होगा, पानी की कमी नहीं रहेगी। अभी मैं यहां नहीं उतरूंगा तो पानी 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 से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, इसका सोल्यूशन करने का काम किया हमारी सरकार ने। इन 3 महीनों के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सके, किस तरह से हमारी युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर सके, क्योंकि पिछले इस सरकार में आपने देखा होगा किस तरह से हमने महंगाई कम कर सके। जो पिछली सरकार 2018 के अंदर हमारी सरकार डीजल पेट्रोल पे 18% बैठता, इसको बढ़ा के उन्होंने 30% किया था सरकार ने। हमारी सरकार ने वेट कम करने का प्रयास किया, केंद्र सरकार ने हमें सहयोग किया और अभी 3.5 रुपए से लेके 6.5 रुपए तक डीजल और पेट्रोल का हमने कम करने का काम किया। मैंने आंकड़े गिनाने शुरू कर दिए क्योंकि मोदी जी के राज में ये बात हुआ है कि काम इतने हुए हैं कि अगर आंकड़े गिनाए ना तो यहाँ जेल में खड़े खड़े रात हो जाएगी। तो मैं जो पूरी उपलब्धियां हैं वो तो मैं हमारे मंत्री जी के लिए छोड़ती हूँ। मैं तो आपको एक ही दो छोटी बातें करना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि जब हम चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा के टाइम पे आए थे तो जायल सबसे कमजोर सीटों में से एक सीट थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से। गलत हो कि सही हो, अगर पूरे नागौर में कोई एक सीट को 100% अगर ये मान रहे थे ये कांग्रेस के खाते में जाएगी तो जायल सीट थी एक नंबर पे, और दूसरे नंबर पे थी मकराना। ठीक हूं कि गलत हूं? लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे जो माहौल में परिवर्तन किया, मैंने तब भी बोला था कि मेरे को एक जिम्मेदारी जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई थी मुझे एक जिम्मेदारी दे करके भेजा था कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में जोड़ो, अच्छे लोगों को हमारे साथ जोड़ो, हमारा पुनका बढ़ाओ। उस टाइम RLP के अंदर जो सब लोग हमारे गए हुए थे पीछे रामकंड जी हमारे प्रधान जी, और उस टाइम पर जो भी परिस्थितियां रही थी लगभग उन सभी लोगों ने RLP को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। तेजानंद जी के यहाँ पे मीटिंग हुई थी और मैं समझती हूँ कि उस दिन जायल में हवा पलटी थी। और एक टाइम तो ऐसा आया था जब ये सोच रहे थे कि जायल में जो लीड होगी वो पूरे नागौर के अंदर सबसे भारी लीड से जायल की विधानसभा जीतेगी। सही हूँ? लेकिन कारण क्या रहे कुछ भी रहे उन पे हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो 30,000 की बातें हम कर रहे थे वो आकर के और 1,550 वोट पे आकर के अपन बात रहेगी वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें ये कारण देखने पड़ेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे कि माहौल इतना पॉजिटिव होते हुए भी हम 1,500 वोटों से 1,550 वोटों से जीत गए। आपको मंत्री पद मिलेगा और हमारे नागौर जिले के विकास में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। ना तो हम जो है हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने वाले आदरणीय मोदी जी और सरकार राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब आपस सगड़ा साथ रहेगा, सत्ता के साथ रहेगा, यदि आप लोग आगे बेड़ो पार हो सके। आज इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक और जो सभी के लिए आवश्यक है, चाहे पेड़ पौधे हो जीव जंतु हो, उसके लिए आवश्यक है पानी। पानी के मंत्री आज आपके और हमारे बीच विराजमान है। अभी मैं यहाँ नहीं उतरूंगा तो पानी 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 से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, इसका सोल्यूशन करने का काम किया हमारी सरकार ने। इन 3 महीनों के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सके, किस तरह से हमारी युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर सके, क्योंकि पिछले इस सरकार में आपने देखा होगा किस तरह से हमने महंगाई कम कर सके। जो पिछली सरकार 2018 के अंदर हमारी सरकार डीजल पेट्रोल पे 18% बैठता, इसको बढ़ा के उन्होंने 30% किया था।